बच्चों, पिछली कक्षा में हमने शब्दों के भेद पढ़े थे, जिसमें तीन शब्दों के तीन भेद थे। अब जिसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर, तो इसमें भी बच्चों उत्पत्ति के आधार पर भी जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो चलिए अब हम तत्सम शब्द के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने संस्कृत जो हमारा जो था हिंदी में शब्द विचार, तो उसमें हमने पढ़े थे शब्दों के भेद, तो उसमें था उत्पत्ति के आधार पर, उसके चार भेद थे। तो पहला था उसमें तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या है? हिंदी में संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा में जो संस्कृत के शब्द हैं, जो संस्कृत से शब्द ज्यों के त्यों लिए गए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो ज्यों के त्यों हमारे हिंदी में आ गए हैं संस्कृत के शब्द, तो उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, अग्नि को संस्कृत में अग्नि कहते हैं और इसको हिंदी में भी अग्नि कहते हैं। सर्प, गृह, दुग्ध और भी हो सकते हैं इसमें हमारे, है ना। तो ये हमारे संस्कृत के शब्द है जो कि हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, अभी हमने तत्सम शब्द पढ़ा था, अब पढ़ेंगे तद्भव शब्द। जब संस्कृत के शब्द कुछ बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि हमारे जो संस्कृत के शब्द थे उनमें थोड़े से बदलाव के साथ उनको हम तद्भव शब्द में लिखते हैं, जैसे आग, दूध, सांप, घर आदि। ये हमारे तद्भव के जो तद्भव शब्द है उसके उदाहरण है ये हमारे। ये शब्द तत्सम भाषा के बदले, संस्कृत भाषा के बदले हुए रूप हैं। अब हम तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ मैंने कुछ तत्सम शब्द और तद्भव शब्द लिखे हैं। तो तत्सम शब्द क्या है? जैसे आम्र, आम्र संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम इसको हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। और आम्र का पता है हमें क्या होता है? आम होता है। तो आम्र का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? आम, ठीक है। चंद्र, चंद्र से भी हमें पता है चंद्र क्या होता है, तो चंद्र जो हमारा तत्सम शब्द है, तो जब हम इसका तद्भव शब्द लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? चांद, ठीक है। ऐसे ही वानर, वानर का तद्भव होगा बंदर। रात्रि, रात्रि का हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द रात। सत्य, सत्य क्या हो जाएगा? सच। तो बच्चों, आपका गृह कार्य है कि आपको तत्सम और तद्भव शब्द की परिभाषा लिखनी है, और यहाँ पर कुछ तत्सम शब्द दिए गए हैं जिनको आपको तद्भव में बदलना है। अब आगे के जो हमारे शब्दों के भेद थे वो हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है।